तो आजा नचले फिल्म के अंत में एक नाटक का सीन है बहुत बड़ा, लैला मजनू का नाटक है। अगर उसको प्रामाणिक मान ले, मुझे नहीं पता कितना प्रामाणिक है, पर उसको देख के लग तो रहा है कि बहुत सोच समझ के लिखा है। इस फिल्म के लेखक भी वही व्यक्ति है, जयदीप साहनी, उन्होंने इसकी कहानी लिखी। तो लैला मजनू बहुत प्यार करते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं तीसरी चौथी क्लास में, तभी से उनके बीच में अटूट प्यार और मोहब्बत का संबंध है। तो मेरे ख्याल से तीसरी क्लास का बच्चा कौन से कितने साल का होता है, 7-8 साल का होगा। जैसे सूरदास की राधा, भाई बरस सात की शुभ घरी जाती, 7 साल में ही प्यार मोहब्बत के रास्ते में चल पड़ी है राधा। कृष्ण थोड़े बड़े हैं, वो 10 के आसपास के हैं, थोड़ा मैच्योर हैं। तो ये दोनों प्यार करते हैं आपस में। मौलवी साहब बहुत फटकारते हैं कि मौलवी साहब मदरसे की क्लास में बच्चे प्यार करने लगे, तो फिर मौलवी साहब के होने का मतलब क्या हुआ। तो मौलवी साहब ने बुलाया, लैला को इधर आ, जरा इधर आ, हाथ ऐसे कर। छड़ी उठाई, कांटे वाली छड़ी, और जो हाथ पे दे के मारी कांटे वाली छड़ी, इतना तेज, वो एकदम निश्चिंत भाव से ऐसे कर, और मार लो और मार लो, प्रेमी लोग ऐसे ही होते हैं, और मार लो। उधर मजनू बैठ रहे, मजनू के हाथ पे निशान बनते जा रहे हैं, चटाक मजनू के हाथ पे लाल खून की धार निकल गई, यहां लाल हो गया, वहां लाल हो गया, उसे कुछ हो ही नहीं रहा। फिर मजनू को लोग झापड़ मारा, उसके गाल पे निशान पड़ गया। आप कहते हैं कि वाईफाई और ब्लूटूथ आज की बात है, ये वाईफाई ब्लूटूथ बहुत पहले के जमाने की बात है। ऐसा प्यार, और सबसे रोचक प्रसंग क्या है उसमें, मजनू ने दुनिया भर से जंग कर ली है लैला के लिए। इनको समाज से मतलब नहीं होता, इनको मतलब होता है एक दूसरे से, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। लैला का भाई पीछे पड़ गया कि मजनू को बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं मजनू को जान से मार दूंगा। और लैला मजनू से कह रही है कि देखो मेरा भाई तुम्हारे पीछे है, वो तुम्हें मारना चाहता है, ऐसा करो हम लोग मिलकर उसको मार देते हैं। और मजनू ने लैला के भाई की हत्या कर दी, और लैला उसमें शरीक है, शरीक जुर्म है। कोई फर्क नहीं, मजनू मेरा है, बाकी सारी दुनिया भाड़ में जाए। इसको शुक्ल जी ने कहा एकांतिक प्रेम है, ऐसी कथाओं में, रेगिस्तान के इलाके की कथाओं में आपको थोड़ी कष्ट और उष्णता तो नजर आएगी ही, शुष्कता नजर आएगी ही। लैला घर में है, मजनू बाहर पागलों की तरह फिर रहा है, लोग उसको पत्थर मार रहे हैं, वो अंदर से गाना गा रही है, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। इस तरह का मामला होता है फारसी कथा। आजाद नज्म अगर आपको सुननी हो, आजाद नज्म में हल्की फुल्की तुक हो भी सकती है, लय हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आपको 2-3 नज्में बताता हूँ, आज ही जाके सुन लेना ठीक से। और नज्म को सुनने की तमीज होती है, ध्यान रखना है। ये नहीं कि कान में लगाए डांस करते हुए निकल के नज्म सुन रहे हैं, वो नज्म के साथ ना छेड़खानी हो जाएगी, मोलेस्टेशन का मामला बन जाएगा। तो नज्म सुनने की तमीज ये होती है कि लाइट ऑफ करनी है पहले, मतलब लास्ट में पहले निकाल लेनी है नज्म, उसके बाद नज्म निकालिए, कान में लगाइए, जो यंत्र हैं दोनों वो लगाइए, और तकिए पर सीधे नहीं, ऐसे वाली मुद्रा में, अर्ध अर्ध लेटावस्था में आप कह सकते हैं, ऐसे करके ये वाली जो अवस्था है इसमें लेट जाना है, फिर कान में लगाना है, लाइट ऑफ कर देनी है, और उसके बाद मध्यम आवाज में सुनना है उसको। और पहले अपने सारे रूममेट्स को बोल देना कि डिस्टर्ब ना करें बीच में, बीच में बोले टिफिन आ गया टिफिन आ गया, तो वो फिर ना बात खत्म हो जाती है। ठीक है, तो आज जो 2-3 नज्म सुननी है आपको, होमवर्क HW है आपका आज का। एक नज्म सुनिए, तेरी खुशबू में बसे खत, सुना ही होगा आप लोगों ने, ये नहीं सुने तो आप लोगों के यौवन पर लानत है अगर ये आपने सुना ही नहीं आज तक। तेरी खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे, मतलब चिट्ठियां लिखी एक जमाने में, फिर शादी कहीं और हो गई, चिट्ठियां डिस्ट्रॉय करने का दबाव है उस जमाने में, तो ये प्रमाण होता था। तो नायक चिट्ठियां डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है, लेकिन उसको परेशानी ये है कि इतने प्रेम से लिखी गई चिट्ठी कैसे जलाऊं। तो तेरी खुशबू में बसे खत में जलाता कैसे, तेरे हाथों से लिखे खत में जलाता कैसे। अब ये सब अपना द्वंद्व बता रहे लंबे समय तक, अंत में उसे क्या तय किया, तेरे खत आज मैं गंगा में बहाया हूं, आग बहते हुए पानी में लगाया हूं। और वो जो
अब आपका दुर्भाग्य कि आपको एक ही नजर पता लगेगी, वरना तीन पता लगने वाली थी। अब आप लोगों ने पाप कर दिया, अब तो आपको एक ही नजर मिलेगी। चलिए समझ गए। तो एक तो ये नज़्मा सुनिए, आपको बड़ा मजा आएगा, नज्म का आस्वादन करके देखेंगे, आपकी तबीयत हरी हो जाएगी सुन के। बस सुनिएगा एकांत में, थोड़ा अंधेरे में, ठीक है। एक तो ये सुन लीजिए, एक फरीदा खानम को सुनिए आज ही। और फरीदा खानम की जो गजल है, गजल क्या है, वो गजल लगती है लेकिन है वो नज्म ही, आज जाने की जिद ना करो। ये बहुत लोगों ने गाई है लेकिन आप सुनिएगा केवल फरीदा खानम को, आज जाने की जिद ना करो। इसमें कुछ पंक्तियां तो ऐसी हैं कि रूह बाहर निकल जाएगी आपकी। कुछ पंक्तियां इतनी सुंदर है, बड़ी इमोशनल सी है। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। उसके बाद तीन सेंजर हैं, जिनमें से एक जो मेरा फेवरेट सेंजर है, वो सुन के तो लगता है कि रूह किसने निकाल के बाहर रख दी हो, ऐसा सेंजर है। ये प्रयोगवाद में जो अनुभूति है, ठीक वही अनुभूति यहाँ पर है। इतनी हंसी आ रही आप लोगों को, कोई बात नहीं। नहीं, हंसने में क्या दिक्कत है, हंसा नहीं, क्या परेशानी है। वो पंक्ति अभी पता नहीं आप कितना अप्रिशिएट कर पाएंगे, एक समय के बाद आप उसको महसूस कर पाएंगे। वो है, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, समझ में आ रहा कुछ, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियां यही हैं जो आजाद हैं, इनको खोकर मेरी जाने जा, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो। नहीं बुझाया, सुनेंगे ना, तो मैं तो गद्य में गा रहा हूँ, वह तो वो गाएगी, मैं गा दूंगा तो आप कभी नहीं सुनेंगे, इसलिए मैं गा नहीं सकता हूँ, तो मैं गद्य में ही कहूँ, ये समाज के लिए ठीक है। आप लोग आज उसे सुनिए और सुन के उसका आनंद लीजिए, और अगर आपने तीसरी सुन ली उसके बाद तो रूह तेरहवीं हो जाती है उसके बाद, रूह की, इंसान की नहीं, रूह की। और वो भी आज सुन लेना, कल मैं सुनूंगा आप लोगों से, कोरस में सुनूंगा, सब एक साथ जाएंगे ताली बजा बजा के भजन की तरह से, ओम जय जगत ऐसे करते ना, उस तरह से गाइएगा। तीसरी जो नज्म है जो इन दोनों से आपको अच्छी लगेगी वो है, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। ये जगजीत सिंह ने गाई है, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। मतलब ये कि दो लोग अलग हो गए हैं तो उसमें नायक नायिका को मैसेज कर रहा है कि देखो लोग परेशान करेंगे, उनकी बातों मत आना, लोग परेशान करेंगे, तंज कसेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब ब्रेकअप के बाद का गाइडेंस सॉन्ग है, गाइडेंस आफ्टर ब्रेकअप, इस तरह का एक नज्म है। तो आज सुन लेंगे तीनों, तो कल फिर मैं आपसे इसके बारे में बात करना चाहूंगा। चलिए।